हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये क्वेश्चन है ग्रेड 8 रैशनल नंबर चैप्टर में से। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 14/27, फाइंड द अदर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो उसका प्रोडक्ट का आंसर क्या है? -28/81। तो आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81 और उसमें से वन ऑफ द नंबर है 14/27। तो अदर नंबर हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है। तो जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम अज्यूम करेंगे। सो लेट द अदर नंबर बी x। सो हमारा वन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 14/27 और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन x into 14/27 = -28/81। इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये फॉर्म होगी। तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट −28/81। तो ये जो इक्वेशन बनी, अब उसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है ये नंबर 14/27। तो ये नंबर को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे यहाँ पर, तो -28/81 को डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो किस तरीके से होगा, तो आप देखो x = −28/81 / 14/27। अब जब हमको ये डिवीज़न, बड़ा वाला डिवीज़न जब रिमूव करना होता है हमें, यहाँ पर ये डिवीज़न जब हमको रिमूव करना होता है तो कैसे करते हैं? सो −28/81 ये डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई साइन बना देंगे और नीचे का जो फ्रैक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब यहाँ पे 14/27 है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 27/14। तो इस तरीके से ये होता है। तो सपोज़ a/b / c/d है, तो क्या हो जाएगा इसका, a/b (c/d) है तो क्या हो जाएगा, d/c। इस तरीके की ये कन्वर्ट होता है, जो बड़ा डिवीज़न होता है बीच में, दो फ्रैक्शंस के बीच में। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, 14 × 2 = 28 और 27 × 3 = 81। इस तरीके से ये हो गया। तो हमारे पास क्या रहता है, −2 × 1 न्यूमरेटर में, यहाँ पे −2 × 1 डिनोमिनेटर में, 3 × 1, तो यहाँ पे 3 × 1। अब क्या है यहाँ पर, तो −2 × 1 −2/3, तो x क्या आया हमारा, −2/3। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई हमारी, −2/3। तो 14/27 × −2/3, इसका आंसर क्या आएगा, 14 × 2 = 28 −28 और 27 × 3 = 81। तो ये इसका आंसर आ रहा है, मतलब हमारा ये x का जो वैल्यू है −2/3 ये करेक्ट है। इस तरीके से आप क्विकली चेक भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया है कि ये सम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंकफुल।